नमस्कार, शांति किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली पत्ते की पूड़ी। तो सबसे पहले हम मूली के पत्ते का वो बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे। तो ये 250 ग्राम मूली का पत्ता है, इसको अच्छी तरह से साफ करके काट के रख लिया है। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और ये 5-6 कली लहसुन, इन सबका हम पेस्ट बनाएंगे। ये मूली के पत्ते का पेस्ट बना लिया है। अब हम आटा गूंदेंगे। ये 2 कप आटा है, ये 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 टेस्ट के अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मोयन के लिए तेल, 1/2 चम्मच कर देंगे। और इसमें ये मूली का पेस्ट को मिला के आटा गूंदेंगे। ये मैंने इसमें सारा पेस्ट मिला दिया है। 2-4 चम्मच पानी की भी जरूरत पड़ेगी। आटा अच्छी तरह से गूंद गया है। अब इसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। पांच मिनट हो गए हैं, अब हम पूड़ी को बेल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ी बेल लेंगे। ये मैंने पूड़ी को बेल लिया है, तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम पूड़ी को तलेंगे। पूड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। मैंने मूली के पत्ते की भुर्जी भी बनाई है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। अब मैं मूली की पूड़ी बना रही हूँ। अब इसके बाद मैं कोई मूली की नई रेसिपी बनाऊंगी। से हम सारी पूड़ियों को बना देंगे।
मूली पत्ते की पूरी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। ये जितना टेस्टी खाने में है बनाने में उतना ही आसान है। आप इसे जरूर ट्राई करिए और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।